Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो ज़्यादा नहीं. सबसे important skill कौन सा है सबा जो हर औरत को आना चाहिए? यार औरत को सारे काम आने चाहिए मुझे लगता है. औरत किसी के मोहताज ना हो कभी. सब आए उसको. खाना भी बना ले. जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं बना लेती हूँ. इसमें कोई झूठ नहीं है. ठीक है, लेकिन सबा ने ये तो अभी क्लियरली बता दिया. और अक्सर आजकल मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रही हूँ. बाय द वे क्यों नाज़िया कमर? अच्छा, सही कह रही हूँ ना? ये अच्छी बात कर दी. मतलब आपकी इस जीरो साइज को मैं इस स्लिम फिट आपकी उसका क्या राज है फिटनेस का? कोई राज नहीं. पहले मैं जिम जाती थी. जब से मेरी वो एंकल ट्विस्ट हुई है मैं नहीं जा पा रही. तब से मैंने या मैं रैंप पे वॉक कर रही थी. एग्जैक्टली आपने देखा होगा हर न्यूज चैनल में बड़े आराम से थी. आज सबा गिर गई. गिरी तो सही लेकिन अगर आप जितनी ग्रेस से उठी जैसे आपने वॉक दी दे तो दी उस पे हैरान हो गई थी. उसके हैरान होने के बाद चार महीने से मैं उधर ही पड़ी हूँ. मैं कुछ जिंदगी में कोई काम ही नहीं कर पा रही. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही क्योंकि हाई हील्स मैं नहीं पहन सकती. तेज वॉक नहीं कर सकती. तो जिम मैं नहीं जा रही. मेरा बेचारा ट्रेनर जो है नबील वो मुझे कॉल करके कहता है आज आ जाए. मैंने कहा मैं वर्कआउट कैसे करूँ, वार्म अप कैसे करूंगी जब तक मेरा वो उस पर प्रेशर नहीं आता ना मेरे इस पाँव पे. तो उसने कहा कि हुआ क्यों था, वो कैसे हो गया था, मतलब कि आप एकदम से गिर गई? इतना सच बोलूंगी नेक्स्ट टाइम कोई लेगा नहीं. आई थिंक वो पर्ल्स से उस ड्रेस के लास्ट में वो बड़े बड़े थे वो ऐसे करके घूमते हुए क्योंकि रैम बहुत स्लिपरी होता है ना. तो हाई हील्स थी, पेंसिल हील थी. तो जब ऐसे करके अब मुझे आदत नहीं है. नॉर्मली जो मॉडल्स होते हैं ना वो ऐसे ड्रेस उठा के मुझे लगता है गंदा लगता है उठा के चलना. सुबह यूं थी फुल कॉन्फिडेंस के साथ यू नो वॉक दे रही थी. तो वॉक देते देते वो पर्ल जो मेरी हील के नीचे आया वो आया तो वो स्लिप कर गई. वो हल्का सा मैं यूं हुई हूँ. मैं प्रॉपर गिरी नहीं हूँ. वो हाफ वे में जो उठी हूँ ना तब तक मेरी एंकल ट्विस्ट हो चुकी थी. इतनी पेनफुल थी वहां. तो मैंने इज्जत रखने के लिए वॉक दे दी कि भाई मैदान छोड़ के नहीं भागने वाली मैं. लेकिन वो मेरे लिए बड़ा गलत हो गया. मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई तो काफ़ी उन्होंने कहा हालात ख़राब है. फिर उन्होंने कहा आपने ट्रैवल नहीं करना. और मैंने बताया कि मैं मसाला अवार्ड्स के लिए जा रही हूँ. मुझे सारे अवार्ड दे रहे हैं तो वहाँ जाना ज़रूरी है. कमिटमेंट की बात पक्की हूँ. अब एक बार कह दिया तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते. क्या बात है. अच्छा फिर तो वहाँ भी गई. फिर मैं वहाँ गई और अभी तक वो फिर उसी तरह. अब हाँ वो अब चूंकि मैंने रेस्ट नहीं किया तो मेरा पाँव ख़राब हो गया. अब मैं शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रही कि उन्होंने कहा मैंने कहा था रेस्ट करना है. तो फिर अब कैसे ठीक होगा? कैसे आई विल बी एबल टू सी यू बैक ऑन रैंप्स एंड देन जाना पड़ेगा. एक्चुअली एक और शो था 16 को कहीं बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री में. मैंने ये झूठ बोल के कह दिया कि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है. एक्चुअली मैं वॉक नहीं कर सकती. यस फील होता है. मुझे अच्छा लगता है. मुझे आदत हो गई है. क्या करें स्टार्स हमेशा न्यूज में रहते हैं. आई लाइक इट. और कुछ ने तो ये भी बोला एक वीडियो मैंने देखा कहीं किसी जगह पे. नहीं ब्राउन भी नहीं हुआ. वन सेकेंड कोई बात नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा. तो एक मैंने उसमें देखा बातें कर लें या पका लें. नहीं फोकस करना बहुत जरूरी है. आप मुझे हाँ मेरा फोकस खराब करिए. अच्छा तो किसी ने ये बोला कैमरामैन ने कि बकायदा पंजाबी में बोला. मैंने वो क्लिप देखा. जान के डिगी है और रहने दे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं. मुझे हुआ कि यार मुझे शौक है और मैं क्यों गिरूंगी. क्यों मैं नहीं हूँ वो अटेंशन सीकर. हाँ वो अल्लाह का शुक्र है यार मैंने नाकाम इतना किया इतनी मेहनत की मुझे क्या जरूरत है इस तरह की चीजों की. बट अगेन वो बात है ना आप लोगों की वो एक मेंटालिटी जो हमारे यहाँ. अच्छा वो एक मोमेंट जिसमें आप गिर रही थी. हाँ मुझे एक जरा सा भी नहीं वो हुआ कि ओ माय गॉड मैं गिर गई. इट्स ओके शिट हैपेंस बट लाइफ गोज ऑन. यस हो जाता है. चीजें तो होती रहती है लाइफ में. ठीक है. हाँ हार मानने वालों में से मैं नहीं. ओके या अब बन रहा है चिकन कढ़ाई. चिकन कढ़ाई बन रही है. ऑयल डाला है उसको. देखो सबा मुझे यहाँ पड़े हुए बादाम बहुत हॉट कर रहे हैं. हाँ प्लीज खाइए. और हाँ ये मैं करती हूँ वैसे एंटी एजिंग होते हैं मुझे जब से पता चला है. वन सेकेंड तो उसमें रात को 5-6 भिगो के रखती तो सबा सुबह उठ के सबसे पहले ये करती है वो निहार मुँह. हाँ हाँ भीगे हुए बादाम सुबह वो पील ऑफ करके. कोई ऐसे टोटके नहीं है जिससे आप अपने आप को मेंटेन रखते हो कि यू आर ब्लेस्ड विद दिस फिजिक कि आप मोटी होती ही नहीं. मोटी होती हूँ नहीं थोड़ी बहुत
Really? हाँ, लेकिन बाप के ऊपर हमने कभी भी देखा नहीं और ना ही अल्लाह करे कि ऐसा हो. अच्छा. Out of shape जाओ. I think family में मेरे ननियाल वाले सारे ही ना बहुत slim, smart, लंबे से हैं. तो उनका असर है. लेकिन मुझे लगता है मैं मोटी होती हूँ कुछ एरियाज से. फिर मैं जाती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ और वापस उसी वेट में आ जाती हूँ. लेकिन मैंने अपने आप को कभी 52 और 55 से ऊपर नहीं जाने दिया. ठीक है. 50-52 मेरे स्क्रीन के लिए अच्छा होता है. ठीक है. वैसे तो मैं 60-65 पे भी खुश हूँ. मुझे तब मुझे मसला नहीं है. लेकिन हाँ, टीवी पे होता है. बिल्कुल सही. अरे सबा का फेवरेट मंच क्या है? किस चीज पे स्नैक दिल चाह रहा है? अच्छा, मुझे वो जो फ्राइड चीजें मुझे नहीं पसंद. आई डोंट लाइक. मुझे बड़ी सेहतमंद चीजें पसंद है. फल पसंद है, दूध पसंद है, दही पसंद है. मैं ऐसी चीजें आके खाती हूँ जो मेरी स्किन के लिए और मेरे लिए अच्छी होती है. टेस्टी बेकरी आइटम्स? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं 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 नहीं, पहले कभी था, खा लेती थी. जब से मुझे समझ आ गई ना कि ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह होती हैं, मैं नहीं खाती. सही. मैं अच्छी चीज़ खाती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा, रेसिपी क्या है? जैसे सेट पर जाती हूँ तो मैं मेरे लिए लिखा जाता है ना, तो मेन्यू में लिखते क्या है, दो खीरे ले आना, दो तरे ले आना, टमाटर खाती हूँ. सोचे जरा, आपको लोग सोचते भी नहीं होंगे. फल खाती हूँ. हाँ, दो खीरे ले आना, दो टमाटर ले आना. बड़ी कोई हार्मलेस मेरी लिस्ट होती है. वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा, यहाँ कोई यू नो बर्गर ऑर्डर होगा किसी स्पेशल किसी खास जगह का, या पिज्जा लोग मंगवा लेते हैं. लेकिन नहीं, सादी बंदी हूँ, सादी चीजें अच्छी होती है. अच्छा, सबा अदरवाइज अपनी चीजों को कैसे लुक आफ्टर करते हो? मतलब बालों को, स्किन? मैं ख्याल रखती हूँ बहुत ज्यादा. मेरी बहन कहती है हर वक्त सबा लगी रहती हो. सुबह उठना है मुझे, नहीं है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ. मैं ऑयल लगाती हूँ और 2-3 घंटे रखती हूँ. 3 किस्म के ऑयल, बादाम का और मस्टर्ड ऑयल, आमिर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. और थर्ड वन जो ऑलिव ऑयल होता है ना, वो सिर्फ यहाँ स्प्लिटेंट्स पे ना, उस पर लगाया जाता है. ठीक है. एक सेकेंड, मेरे मसाला जार डलने वाले. सो चिकन हमने डाल दिया. चिकन डाल दिया. सबसे पहले वो प्याज को हमने किया. ये है लाल मिर्च. ठीक है. और ये जनाब नमक, जिसके बगैर ना जिंदगी में मजा है और ना ही आपकी हंडिया में. ठीक है जी. कुछ लोग होते हैं नमक हराम होते हैं. बहुत से होते हैं, कुछ नहीं होते. आपने ये बहुत पोलाइट कर दिया. नहीं नहीं, ये बहुत हल्का बोल दिया कुछ लोग. अच्छा. मोस्टली जो ऐसे होते हैं उनके साथ हाउ टू डील विद देम. कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल वुमेन डे. हाँ, वो है, पर हम क्यों हो. सॉरी, मैंने एंड पे डालना है. क्या एक्साइटमेंट में मैं सब डाल रही हूँ. So, ये थे सारे हमारे मसाला जात. ठीक है. हाँ, कभी से भूनेंगे. उसको मैं भूनूंगी. अरे सबा, मतलब ये काम आसान है या फिर रैंप पे वॉक करना? रैंप पे वॉक करना बहुत मुश्किल काम है भाई. हैट्स ऑफ. सुबह सुबह सारा दिन घर में काम करती हूँ. मैं अपनी माँ को कहती हूँ, माँ उसे ड्रामे करवा लो, काम ना करवाओ. नहीं हंसती अम्मी. कहती मेरी एक्चुअली अम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं. अम्मी, मेरी बहन, खानदानी हाथ में ना टेस्ट है. अच्छा, आंटी कैमरे पे आना नहीं चाहती. हाँ. मैंने बहुत मिनते कर छोड़ी हैं, लेकिन नहीं मुझे मौका मिला कि सुबह के लिए मैं मिली हूँ. अच्छा, वो बहुत पसंद करती हैं आपको, बहुत प्यार करती हैं उससे. वो लेकिन मैं आपका शो देखती हूँ, खास आपका शो देखती हूँ. आंटी की ना एक बड़ी जलाल वाली पर्सनालिटी है. हाँ, एक बड़ी डोमिनेटिंग है मेरी. अभी भी मेरे भाई को चपेट चपेट पड़ जाती है. माशाल्लाह 40 साल का है वो. मैं भी डांट शांट खा लेती हूँ. अच्छा. हाँ, हाथ उठते उठते रह जाता है, बट अच्छा लगता है. कोई होना चाहिए. बड़ी अम्मी का जूता और मैं आगे पीछे ही होते थे. अच्छा लगता है, पर होना चाहिए कोई आपको डांटे. मैं तो अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करती हूँ. चूंकि बीमार है ना, हेपेटाइटिस सी की पेशेंट है. सो मैं सिर्फ अल्लाह से कहती हूँ कि यार मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे. क्योंकि जब मैं कभी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि कौन पूछेगा मुझे, कौन कॉल करेगा, कौन कहेगा किधर हो, 10 बज गए, घर वापस आओ. अवल तो मैं. हाँ हाँ, टिल डेट. अभी रिसेंटली मैं गाया अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने गई थी, तो 9 o'clock आई थिंक 8 o'clock गई हूँ, तो 9 o'clock मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई. हाँ बेटा किधर हो. वो घर, मेरे घर में सिस्टम नहीं कि रात भर आपने कोई बंक किया और आप बाहर रहे तो पता नहीं चला. कोई ऐसा सीन नहीं है. लेकिन आगे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या फिल्म्स आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं? जान, मेरे पास स्क्रिप्ट्स बहुत आए हैं. तकरीबन जो भी अभी नई फिल्में, ड्रामास या कुछ भी आ रहा है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट मेरे पास आता है. थैंक यू. ये प्लीज उठा लीजिएगा. बहुत शुक्रिया आपका. मेरी बहन को गुस्सा आ रहा है कि तुम बातें कर रही है, डाल नहीं रही. तो मजा नहीं आ रहा. दम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, कॉन्टेंट स्ट्रांग नहीं है. नहीं, राइटर्स तो शायद अच्छा ही लिख रहे हैं. मे बी उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि चैनल से बहुत प्रेशर होता है. जो लोगों को पसंद होता है, जो मैसेज देख रहा होता है, उनको रिपीटेडली शायद वही दिखाना होता है.
मैं नहीं अब वो करना चाहती जो तो इसका मतलब हम देखेंगे नहीं अब सबा को नो नो ऐसा नहीं है कोई ऐसी कोई सॉलिड स्क्रिप्ट मिली तो व्हाई नॉट अच्छा करूंगी एक दो है पाइपलाइन में शायद मैं करूं जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बट टीवी नहीं छोड़ूंगी कभी हाँ वर्किंग वुमन होने के लिए ज्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं ज्यादा बहादुरी का स्किल्स कैसे कॉन्फिडेंस के बगैर तो आप जिंदगी में दुनिया में कोई काम ही नहीं कर सकते लोगों को फेस करने का हुनर आना चाहिए मुख्य भांत भांत के लोग मिलते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हुनर आ ही जा रहा है दुनिया को बहुत सिखा देती है